छतरपुर में मूल्यांकन सेंटर पर शिक्षकों ने हंगामा कर दिया। शिक्षकों ने आरोप लगाया है कि यहां कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जब इसकी खबर जिला शिक्षा अधिकारी को लगी तो उन्होंने मूल्यांकन न करने वालों पर कार्रवाई की धमकी भी दी है। छतरपुर में मूल्यांकन सेंटर पर उस समय हंगामा हो गया जब मूल्यांकन में लगाए गए टीचरों ने मूल्यांकन करने से मना कर दिया। इन टीचरों का आरोप है कि मूल्यांकन सेंटर में कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया जा रहा है। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो जिला शिक्षा अधिकारी ने उन पर कार्रवाई करने की धमकी दी। दरअसल प्रदेश सरकार का निर्देश है कि 10वीं-12वीं परीक्षा की कॉपियों की जांच टीचरों से उनके घरों से करवाई जाए, लेकिन डीओ टीचरों को बुलाकर मूल्यांकन सेंटर में कॉपी जांचने का काम करवाना चाहते हैं। वहीं कुछ टीचरों ने डीओ पर मूल्यांकन के नाम पर भ्रष्टाचार करने का आरोप भी लगाया। टीचरों ने नारेबाजी की। टीचरों का हंगामा देख पुलिस प्रशासन के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। बताया जा रहा है कि कुछ टीचरों को ताले में कैद कर दिया गया और उनसे जबरदस्ती मूल्यांकन करवाया जा रहा था। वहीं डीओ का कहना है शासन का आदेश है मूल्यांकन का काम करवाया जाए। जब उनसे हंगामा करने वाले टीचरों के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इसे असामाजिक तत्वों की हरकत बताई। क्योंकि अभी जो कोरोना का माहौल चल रहा है तो सभी को पता है कि रिस्क तो सभी के लिए है, सभी के साथ परिवार है, सभी के साथ बच्चे हैं। अगर एक व्यक्ति को कुछ होता है तो निश्चित रूप से जितने लोग यहाँ पर है वो तो प्रभावित होंगे ही, और उनके साथ साथ उनका पूरा परिवार भी प्रभावित होगा, है ना। आप लोगों की मांग क्या है? मांग ये है कि जैसे सभी जिलों में जब होम हो रहा है वैल्यूएशन, तो यहाँ क्यों नहीं करवाया जा रहा है? हम लोग को भी करवाया जाए ताकि हम लोग भी सुरक्षित रहे अपने परिवार के साथ। हम लोगों ने मना तो नहीं किया कि हम लोग करेंगे नहीं, है ना, काम के लिए मना नहीं कर रहे हैं। आप तो अब दवा क्या ऐसा ही है कि जो दूसरे जिलों से लोग हैं वो लोग कैसे आए, सभी को पता है कि इस समय यातायात कुछ भी प्रबंध नहीं है। तो जो लोग उन लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं कि आप लोग आइए, आप बताइए जो महिलाएं वो कैसे दूसरे ब्लॉकों से कैसे आएंगी यहाँ पर। हम लोग लोकल वाले मान लीजिए ठीक है आते हैं, लेकिन जो दूसरे ब्लॉक में है वो लोग महिलाएं कैसे आएँ? पुरुष तो मान लीजिए बाइक से आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मना के रखा है भाई तीन बाइक, एक बाइक पर एक लोग जाएंगे। अगर एक व्यक्ति एक आ रहा 50-50, 60-60 किलोमीटर का सफ़र करके वो 7 बजे यहाँ से जा रहा है, उसके साथ कोई दुर्घटना हो जाती है तो कौन जिम्मेदार है उस चीज़ के लिए? सरकार से सब्जेक्ट बाई टीचर के आधार पर घर के लिए होम वैलेंसी कापी दी जाए, ये हम लोग चाहते हैं। जो अनावश्यक कंटेंजेंसी का पैसा स्कूलों में रुकने के लिए व्यवस्था, पानी की, कूलर की, लाइट की बिल में जो खाना चाहते हैं, इस पैसे को शासन को बचाया जाए। शासन वैसे तो दिए देने के लिए सक्षम नहीं है, किंतु उस पैसे का जो भयंकर रूप से दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे शिक्षकों को वंदा बंद कर लिया है कमरे में, है, और 49-50 जिलों में गृह मूल्यांकन हो रहा है। हाँ। वो यहाँ मूल्यांकन नहीं वो कर रहे हैं, मतलब यहाँ बैठा रहे हैं, जबकि सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और सब पास पास बैठ के मूल्यांकन कर रहे हैं। इससे हम लोगों की जान को खतरा है, हम लोगों के बाल बच्चे कौन पालेगा? पूरे देश में सोशल डिस्टेंसिंग का उसका ध्यान रखा जा रहा है। टीचरों का कोई हंगामा नहीं है, टीचर हमारे सभी समय पे आए, सारे अपने कमरों में बैठे थे, कॉपी हमारी बढ़ रही थी, बाहर के लोगों ने आके हंगामा मचाया, टीचरों ने देखा तो बाहर आ गए, तो बाहरी लोगों द्वारा हमारे मूल्यांकन कार्य में व्यवधान उत्पन्न किया गया है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।